प्रदेश में गर्मी, हीटवे, बिजली, पानी को लेकर प्रदेश में जनता परेशान है और सरकार से पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो इसके बाद भाजपा नेता जवाब देने के लिए आगे आए। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी, विधि मंत्री जोगाराम पटेल और विधायक कुलदीप धनखड़ ने वर्तमान संकट के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वही कहा कि प्रकृति के इस प्रकोप पर भी कांग्रेस नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार और भाजपा लोगों की समस्याएं खत्म करने के लिए हर समय तैयार खड़ी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, जहां उन पर जब उनके पास अवसर था 5 साल काम करने का, उस समय तो काम नहीं किया, लेकिन अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस कहावत को चरितार्थ करते हुए लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, बोए बीज बबूल के तो आम कहां से होए। 5 साल तक इस राजस्थान में बबूल को बोते रहे और अब राजस्थान की सरकार से झूठ, लगातार झूठ के आरोप लगा करके राजस्थान में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत हमारी सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और अपने संकल्प के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आपको ये भी जानकारी है कि हमारे जो संकल्प थे, हमारी वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने इन 100-150 दिनों के कार्यकाल के दौरान करीब 40% तक संकल्प पूरे किए हैं, जिसमें एक संकल्प सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का भी था। अभी आप सब लोगों को पता भी है, ऐसे डीजल गर्मी जहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री से 51 डिग्री तक पहुंच गया, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हो कि बहुत बड़ी समस्या बिजली और पानी की है। लेकिन उसको लेकर हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने पूरा प्रबंध राजस्थान में किया है, हर जिला स्तर पर किया है, यहाँ तक कि विधानसभा स्तर पर भी हमारे सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सबको साथ लेकर हम जो भी पानी की समस्या उसका समाधान करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।